स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। दोस्तों अगर आप यूसुफ पठान को एक अच्छे क्रिकेटर मानते हैं तो यूसुफ पठान के बारे में अपना राय कमेंट करके जाहिर करिए। दोस्तों यूसुफ पठान का बैटिंग को आप 10 में कितने अंक देंगे, ज़रूर कमेंट में अपना महत्वपूर्ण राय शेयर करिए। दोस्तों यूसुफ पठान एक बार फिर से T20 टीम में तूफानी बैटिंग दिखाया है। बता दें दोस्तों यूसुफ पठान ने इससे पहले IPL और वर्ल्ड क्रिकेट टीम का होकर T20 में शतक जड़ा था। यूसुफ पठान ने ODI क्रिकेट में 57 मैच खेला है, जहाँ पे उन्होंने सबसे ज़्यादा 130 रनों का नाबाद पारी खेला है। ODI में यूसुफ पठान का स्ट्राइकर रेट 115 के पास है। तो दोस्तों T20 विश्व कप में टीम को विजेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाला यूसुफ पठान 22 T20 मुकाबले में 20 का औसत लेते हुए 150 से ऊपर स्ट्राइकर रेट रखते हुए वर्ल्ड क्रिकेट टीम का होके कई अच्छे प्रदर्शन दिखाया है। यूसुफ पठान का सबसे बड़े योगदान तो T20 पैटर्न में है, जहां पे IPL और डोमेस्टिक टोटल 275 मैच खेलने का अनुभव है। पहले राजस्थान रॉयल्स, उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स और लास्ट में सनराइज हैदराबाद का होके खेलने वाला यूसुफ पठान कई शतक और अर्धशतक जड़कर तूफानी पारी खेलकर ऑलराउंडर भूमिका निभाते हुए टीम को बहुत मैच में विजेता बना चुके हैं। यूसुफ पठान ने IPL में शतक भी जड़े हैं, जो कारनामा बहुत कम क्रिकेटर के पास है। IPL में यूसुफ पठान का स्ट्राइकर रेट 145 के पास है। IPL में यूसुफ पठान ने 21 अर्धशतक और एक शतक जड़ चुके हैं। IPL में यूसुफ पठान 374 चौके तो दोस्तों 245 छक्के जड़ चुके हैं। दोस्तों बड़ौदा टीम का होके खेलने वाले सैयद मुस्तकबी ट्रॉफी में अपने टीम को कई बार अहम मैच में विजेता बनाया है, जहां पे दोस्तों अगर 7 बॉल में 25 रनों की ज़रूरत है तो ये मैच भी यूसुफ पठान अपने टीम को विजेता बना चुके हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बड़ौदा टीम का होके यूसुफ पठान ने सबसे ज़्यादा 109 रनों का पारी खेला था और ये पारी उन्होंने केवल 31 गेंदों में ही पूरा किया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड क्रिकेट टीम का होके बहुत दिन तक खेलने वाले यूसुफ पठान को एक बार फिर से T20 टीम में वापसी हो सकते है। बड़ौदा टीम का होके इस बार आपको 11 जनवरी यूसुफ पठान को खेलते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूसुफ पठान ने इससे पहले भी डोमेस्टिक क्रिकेट में दिल्ली टीम का खिलाफ होके भी शतक जड़ चुके थे, जहां पे दोस्तों उन्होंने मैच जीता पारी खेलकर अपने टीम को 2 विकेट में विजेता बनाया था। जहां पे दोस्तों यूसुफ पठान ने अपने इनिंग्स में 10 छक्के तो 5 चौके जड़ चुके थे। धुआंधार प्रदर्शन करने वाला यूसुफ पठान बॉलिंग में भी लाजवाब प्रदर्शन करता है। यूसुफ पठान का बैटिंग और बॉलिंग को देखते हुए उनको लगता है बहुत ही जल्दी जो IPL का ऑक्शन होने वाले है, इसमें कोई भी टीम यूसुफ पठान को ज़रूर खरीदेगा। ऐसे में अपना राय कमेंट करके बताइए, यूसुफ पठान जैसे दिग्गज क्रिकेटर का स्टैट्स सुनने के बाद आपको क्या लगता है, कौन सी टीम को यूसुफ पठान को खरीदना चाहिए? अपना महत्वपूर्ण राय कमेंट करके बताइए और यूसुफ पठान के लिए इस वीडियो को एक लाइक और शेयर दिल से कर दीजिए। आने वाले सारे वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर